आज मैं आपको बताऊंगा कि हम बाइनेंस में TRX कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी अकाउंट से, कभी भी किसी भी वॉलेट से। हम TRX का एड्रेस बाइनेंस से लेकर वहां से डिपॉजिट करना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत टाइम पहले यहाँ पे कुछ TRX, मतलब 1-2 महीने पहले मैंने कुछ TRX यहाँ पे 180 TRX यहाँ पे डिपॉजिट किए थे, जो मैं आपको यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट वगैरह, मतलब जो हिस्ट्री मेरे पास पड़ी हुई है वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह जाके आप TRX सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको हिस्ट्री नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने ये अगस्त में ये यहाँ पे मतलब डिपॉजिट किए थे अपने बाइनेंस अकाउंट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा तरीका बताऊँगा किस तरह इसको डिपॉजिट करना है, क्या कुछ करना है। तो आप यहाँ पे इसकी डेट वगैरह भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपने TRX देखना है कि मतलब जो आप एड्रेस कॉपी कर रहे हैं वो TRX का है, और TRX का जो एड्रेस होता है वो मोस्टली, जो आप यहाँ पे एड्रेस इसका देख भी सकते हैं, मोस्टली ये T से स्टार्ट होता है, सही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये T से, देखिए अगर ये T से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये एड्रेस गलत होगा। तो आपने मतलब देखना है कि ये TRX का एड्रेस ही है। तो उसके बाद इसको कॉपी करना है, मतलब यहाँ से कॉपी नहीं करना है, जहाँ से करना है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और हम बाइनेंस का कोर्स जो आपके लिए बना रहे हैं तो उसकी प्ले लिस्ट वगैरह मैं सब कुछ आपको बाइनेंस की एक एक चीज़ बताऊँगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको सारा कुछ समझा सकूँ। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो बता दूंगा, नहीं तो आपको आंसर कर दूंगा रिप्लाई करके। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ TRX पड़े हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने डिपॉजिट करूँगा वहाँ पे भी बाइनेंस में। लेकिन ये मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ जो मैंने 180 TRX अभी आपको इसके दिखाए है, जहाँ पे मैंने डिपॉजिट किए थे। तो उसकी जो फीस है वो मुझसे यहाँ पर कट गई थी $0.09, सही है। तो दो TRX या 1 TRX आपकी फ़ीस कटेगी, मोस्टली 1 TRX ही फीस कटती है, सही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने डिपॉजिट किस तरह करना है, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट का ऑप्शन है, तो आपने स्पॉट पे जाना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कॉइन्स होंगे, तो आप यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस वाले कॉइन्स को हाइड भी कर सकते हैं, उनको मतलब व्यू भी कर सकते हैं। तो आप TRX यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 180 TRX अभी भी पड़े हैं जो $16 बनते हैं। तो आप यहाँ डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरा मेथड, आप इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर TRX सर्च कर ले, सही है। TRX सर्च करने आपके पास आ जाएगा, वहाँ से भी आ जाएगा। दोनों मेथड में आपने सर्च करना है, डिपॉजिट में यहाँ पे भी, और ये जो आपके पास TRX आ रहा है ये आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मतलब उसका एड्रेस ओपन हो जाएगा। अगर आप डिपॉजिट से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो इसके बाद आपके पास यहाँ ऐसी स्क्रीन आएगी, सही है। तो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट और विड्रॉल का, तो हम इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये डिपॉजिट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एड्रेस आ जाएंगे, TRC20 का, BP का, और सारे एड्रेस आ जाएंगे। मोस्टली TRC20 यूज़ होता है, सही है, आपने ये यूज़ करना है। तो आप बाकी एड्रेस अगर वहाँ से सेंड कर रहे हैं, वो वाले एड्रेस है, तो आप यहाँ से वो भी चेंज करके कॉपी कर सकते हैं। तो TRC20 आपने सेलेक्ट करना है और ये T से स्टार्ट होता है, सही है, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो इसके बाद ये एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है इस पर क्लिक करके। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम ट्रस्ट वॉलेट में जाते हैं, यहाँ से जो ट्रॉन है हम ट्रॉन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ट्रॉन पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 7 ट्रॉन पड़े हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये देखिए ऑप्शन स्टार्ट में ही आ रहा है सेंड का, तो आपने सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एड्रेस आपने कॉपी किया था, अभी मैंने आपके सामने कॉपी किया बाइनेंस से अपना एड्रेस TRX का, वो यहाँ पे आप पेस्ट इसको प्रेस करके भी देख सकते हैं, और मतलब थोड़ा सा प्रेस करके पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम TRX जितनी सेंड करना चाहते हैं मैक्सिमम भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 TRX फीस है, तो इस वजह से ये सेंड नहीं होगी। इसलिए हमने इसको थोड़ा कम करना है, इसको मैं 5 कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 करने के बाद हम ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू का, ये ऑप्शन आपने इस पर क्लिक करने, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास सारी डिटेल्स हो जाएंगी, कितनी फ़ीस आपकी लगेगी, कितने सेंड होंगे, और यहाँ पे सेंड होंगे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम टोटल $0.52, सही है। तो यहाँ पे इसको कंफर्म करें, कंफर्म करेंगे तो आप जो पिन देंगे वो पिन आपने एंटर करना है। उसके बाद देखिए मेरे पास 2 TRX जो है वो रह गए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हिस्ट्री में भी 5 TRX, और ये जो पुरानी हिस्ट्री थी 180 TRX। उसके बाद जैसे ही आपको बाइनेंस भी रिसीव हो गया, आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये रिसीव हो जाएंगे। तो हम बाइनेंस जितना भी कोर्स बना रहे हैं आपके लिए, तो इसके लिए आपने हमारी एफर्ट को सपोर्ट करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, इस वीडियो को लाइक करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।